मेरे साथ आई है मेरी एक फ्रेंड जो कि जर्मन से आई है हमारे केदारनाथ को एक्सप्लोर करने के सिट हुआ है, बट इसको नाम दिया है मैंने जर्मन वाली। गाड़ी रोक दी है क्योंकि अब हमारी जर्मन वाली ड्राइविंग कर रही है, हम पीछे बैठ रहे हैं। भैया सच में चला रही है यार। हम एक भैया के घर पे आए थे, इसका नाम है लाला। तो इसको हमारे अंग्रेजन मैडम से इतना सा लगाव हो गया कि इसको बांध रहा है, जाने नहीं दे रहा। लेकिन क्या बोले, लाला का सच्चा प्यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिज बॉय यूके। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। तो भाई साहब काफी दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब नेपाल से आया तो मैं केदारनाथ में जाके अपना एक छोटा सा कैफे ओपन किया, जिसके कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ। और फिलहाल मैं हूँ इस टाइम हरिद्वार में, और मेरे साथ आई है मेरी एक फ्रेंड जो कि जर्मन से आई है हमारे केदारनाथ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसको लेने में आया हूँ। सिट हुआ है तो भाई अभी हम इनको थोड़ा सा जंगल ट्रिप करवा रहे हैं, जो कि हरिद्वार से जो चिल्ला वाला रोड है उस पर हम आए हैं। और मेरे साथ है मेरा दोस्त जो कि है सेरा। सेरा हाय। हेलो। बाकी बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं हम, सुबह से लगभग 3-4 घंटे से कंटिन्यू घूम रहे हैं। और भाई बहुत दिन के बाद कैमरा हाथ में ले रहा हूँ तो पता नहीं वीडियो कैसा बन रहा हो। एकदम आदमी का जो कंटिन्यू का हैबिट होता है ना, वो छूट जाता है वीडियो बनाना, थोड़ा टफ हो जाता है यार। तो भाई जर्मन वाली मैंने नाम दिया है अपनी फ्रेंड को। वैसे तो मेरे फ्रेंड का नाम है मैरी ऑन, बट इसको नाम दिया है मैंने जर्मन वाली। और काफ़ी अच्छा भी लगेगा क्योंकि मेरे को याद करने में भी हो जाएगा, क्या पता इन फ्यूचर इनका भी यूट्यूब चैनल हो। तो शर्मीली है भाई, कैमरे के सामने बोलती नहीं है, बट देखते हैं। बाकी हमारा सेरा भाई चला रहा है गाड़ी जो कि मस्त होके चिल मार के चल रहा है। और यो थारा भाई महेश पीछे बैठ रखा है, देखो जर्मन वाली को आगे बैठा रखा है। Very happy. तो भाई मेरा काम ही है कि मैं अपने गेस्ट को थोड़ा खुश रखूं ताकि इंटरनेशनल लोग मेरे पास आते रहे। और ये मेरे पास आई है काउचसर्फिंग की बदौलत। तो इन फ्यूचर जब मैं कभी जर्मन जाऊंगा तो इनके घर पे भी रुकूंगा। तो बाकी अभी थोड़ा सा हम जा रहे हैं आगे, और उसके बाद दिखाते थोड़ा सा आपको यहाँ की व्यू। और बाकी तो मैं कल या परसों, कल मैं जर्मन वाले को केदारनाथ लेके जाऊंगा तो आपको केदारनाथ भी दिखाऊंगा। तो भैया पीछे के कुछ हाल ऐसे हैं। तो भैया अभी सेरा ने गाड़ी रोक दी है क्योंकि अब हमारी जर्मन वाली ड्राइविंग कर रही है, हम पीछे बैठ रहे हैं, देखते हैं। कम ऑन या। तो भैया इंडिया में आके जर्मन वाली को दे रहे हैं हम ड्राइव करने के लिए, अब पता नहीं हमको कहाँ पहुँचाएगी। बोल रही थी कि मेरे को आती है ड्राइविंग करनी। I have also tension of look. बोल रही है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। महेश जी तुम फिर भी मेरे को ड्राइवर बना रहे हो आराम से। अबे गजब भाई, अबे चला रही भाई भैया, सच में चला रही यार। तो it's so difficult to see the road, you know, because I'm supposed to ride on this side in Germany, you know. Okay. You're like on the different side. चोली, अरे धीरे धीरे चल मेरी माँ। You know, I don't know like how far it's like there or something. अपनी साइड चल रही भाई लड़की, कहता ही भाई, मतलब मैंने बोला ना, मैंने कहा बीच में चलाओ रोड छोटा है। बोलती है कि नहीं जी महेश जी, मैं तो अपनी साइड चलूंगी। और बढ़िया ड्राइविंग कर रही है यार, मतलब जर्मन वाली को ड्राइविंग करनी आती है भाई। A few moments later. और अभी हम एक भैया के घर पे आए थे और यहाँ पे हमने 2 दिन स्टे किया। तो ये जो हमारा छोटा सा ये मुन्ना आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है लाला। तो इसको हमारी जर्मन अंग्रेजन मैडम से इतना सा लगाव हो गया कि इसको बांध रहा है, जाने नहीं दे रहा। देख रहे हो आप, देख लो इसने इसको बांध दिया है कतई और इसको जाने नहीं दे रहा। कह रहा कि बस तुम मेरे साथ ही रह लो यार। और इसका एज है 7 साल और अंग्रेज का एज है लगभग 24 साल। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। लेकिन क्या बोले, लाला का सच्चा प्यार। लाला सच्चा प्यार है कतई है भैया। लाला से केवल कमर ही बांधी नहीं, अभी लाला उसके हाथ भी बांध रहा है। कह रहा है कि इसका पूरी तरीके से किडनैप करता हूँ। तभी तो ये रुकेगी। अरे भाई देख, पैर भी बांधने लग गया भाई साहब। भाई देखो सच्चा प्यार ऐसा होता है, देखो कहाँ जर्मन और कहाँ उत्तराखंड, और बंदे को इतना प्यार हो गया उससे कि देखो उसके पैर बिल्कुल कतई बांध रहा है यार। अब हाथ भी बांधने चल। ओ भाई साहब, भाई साहब। कुछ समय भैया के घर पे बिताने के बाद मैंने और जर्मन वाली ने फैसला किया कि हम लोग ऋषिकेश चलते हैं। और शाम का टाइम काफ़ी अच्छा होता है ऋषिकेश घूमने के लिए, इसलिए हम शाम को ऋषिकेश आते हैं। और लक्ष्मण झूला और राम झूला एक्सप्लोर करने के बाद हम दोनों आ जाते हैं घाट पे। और मैरियन को ज़्यादातर अकेला ट्रैवल करना पसंद है क्योंकि आपका भाई भी सोलो ट्रैवलर है, तो ये भी सोलो ट्रैवलिंग कर रही है।
मैरियन को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी ये ट्रैवल करती है तो ऐसी जगह जहाँ पे इसको शोर शराबा भीड़ भाड़ ना हो ऐसी जगह पे इसको ज़्यादा पसंद आता है और एकांत में बैठी रहती है और सोचती रहती है। इससे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। मैं भी जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो जब शांति से कहीं मुझे बैठना होता है तो मैं भी जंगल में जाके कैंप कर लेता हूँ। तो लाइफ में अगर आप कभी सोलो ट्रैवलिंग करोगे ना तो आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा और ये हर एक ट्रैवलर के साथ होता है जो भी सोलो ट्रैवलर होता है। और अर्ली मॉर्निंग हमें यहाँ से निकलना है केदारनाथ के लिए और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम केदारनाथ एक्सप्लोर करवाएंगे। तो भैया मैरी को सेकंड टाइम खिला रहा हूँ आलू पराठा। देख रहे हो आप? बहुत अच्छी है यार ये। अर्ली मॉर्निंग हम दोनों ने बस ली जो कि हमको सोन प्रयाग के लिए लेनी थी, बट रास्ते में मेरा घर गुप्तकाशी पड़ता है तो आज हम गुप्तकाशी रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय मैरी।